नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है चंद्र ग्रहण और सूतक लग जाएगा अभी से ही, यानी सुबह 6 बजे से या सुबह 7 बजे से। काफ़ी लोगों का मानना है कि जो सूतक है वो चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से ही लग जाता है। ग्रहण के समय तो सभी जानते हैं कि क्या कार्य करने चाहिए क्या कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जो सूतक का काल समय होता है वो बहुत ही लंबा होता है। ग्रहण के समय तो काफ़ी लोग हैं जो सब चीज़ें जानते हैं कि हमें ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल दाढ़ी वगैरह नहीं बनाने चाहिए, लेकिन पूर्णिमा पर लगने वाले ग्रहण का सूतक सुबह से ही शुरू हो जाएगा और शाम तक ग्रहण के समाप्त होने तक रहेगा। तो आइए जानते हैं हम कि ग्रहण के जो सूतक का समय होता है उसके दौरान हमें क्या क्या कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो सूतक के समय में आपको एक तो भगवान की मूर्ति को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, खाना पीना सोना नाखून काटना भोजन बनाना तेल लगाना आदि कार्य भी करना वर्जित माना गया है। इस समय में झूठ बोलना छल कपट बेकार वार्तालाप और मूत्र विसर्जन से भी परहेज करना चाहिए। सूतक काल में बच्चे बूढ़े अस्वस्थ स्त्री आदि को उचित भोजन लेने से कोई परहेज नहीं है। सूतक आरंभ होने से पहले ही अचार मुरब्बा दूध दही खाद्य पदार्थों में कुशा या फिर तुलसी डाल देना चाहिए, जिससे ये खाद्य पदार्थ ग्रहण से दूषित नहीं होंगे। अगर कुशा नहीं है तो आप तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। घर में जो सूखे खाद्य पदार्थ हैं कुशा तथा तुलसी का पत्ता, गर्भवती महिलाएँ पेट पर गोबर का लेप कर ले, चाकू सुई आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। संभव हो तो टहले सोए नहीं, सबसे ज़्यादा उत्तम यही रहता है। साथ ही साथ आपको न तो ग्रहण के दौरान, मैंने जैसे बता दिया है कि सूतक के समय में आपको न खाना बनाना है न खाना है, अगर आप स्वस्थ है तो स्वस्थ अवस्था में आपको ये सब कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आप अस्वस्थ है जैसे आपको दवाई लेनी है तो दवाई लेने के लिए खाना खाना ज़रूरी है तो आप इस जगह पर खाना खा सकते हैं, लेकिन जैसे टेम्पररी रूप में मेडिकल साइंस में तो ये सब माना गया है कि मेडिकल साइंस में जो दवाई उचित समय पर दी जाती है, जिस दवाई को खाना खाने के बाद में ही लिया जाता है, तो उसको आपको खाना खाने के बाद में ही लेना चाहिए। तो